नमस्कार मित्रों, ज्वाइन स्टडी के इस एक और वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि 22 तारीख को यानी शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को एक बहुत बड़ा रिवर्सल आया भारतीय शेयर बाजार में और निफ्टी 23,900 के पार जाकर बंद हुआ, 23,907 के आसपास। आपका सेंसेक्स भी 79,117 के आसपास और निफ्टी बैंक भी 51,135 टच कर गया और वहीं पर के आसपास बंद हुआ। तो ये इस बात को बताता है कि शुक्रवार को बहुत बड़ा रिवर्सल आया। हम लोग ओवरसोल्ड हो चुके थे, कई क्षेत्रों में कंपनियां ओवरसोल्ड थीं, सेंसेक्स या आपका निफ्टी भी सब ओवरसोल्ड था। तो एक बहुत तगड़ा रिवर्सल आया और मतलब उम्मीद से बड़ा रिवर्सल आया। फिर शनिवार को बाज़ार बंद रहा और रविवार को आज बाज़ार बंद है और कल बाज़ार खुलेगा। लोगों की उम्मीद है कि हो सकता है 400, 500, 200 जितने का भी हो गैप अप से हम लोग खुलें और 24,500 को टच करके बाहर निकल जाए, उससे ऊपर जा सकें। हो सकता है ना भी हों, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग कल यानी सोमवार को एक और अपवर्ड्स ट्रेंड, बहुत तेज अपवर्ड्स ट्रेंड देखेंगे। और जब रिवर्सल आया तो बहुत तेज रिवर्सल आया और अडानी के खबर को बाज़ार पचा गया, क्योंकि अडानी का खबर, अडानी के लिए जो जो यूएस कोर्ट में जो ड्रामा चल रहा है ना कि अडानी को नोटिस दे दो, अडानी ने ऐसा किया भारत में, अरे भारत में यदि लिया या न लिया वो अलग बात है, बिना जांच के तुमने रिपोर्ट कैसे तैयार कर ली। तो अडानी के प्रति घृणा आप कह सकते हैं, उसका असर वहाँ के जुडिशियरी तक में, यूएस के जुडिशियरी तक में आ गया और उसने अडानी को एक नोटिस दिया और आरोप तय करने की बात कही, जिसको लेके भारतीय शेयर बाज़ार गिरा। लेकिन भारतीय शेयर बाज़ार उसको भी पचा गया, क्योंकि वो पचने के लायक ही है, उस खबर में कोई दम नहीं। हाँ, उसके कुछ इद्दी पिद्दी तीन चार देश थोड़ा उछलेंगे, फिर वो भी अपने हैसियत में आ जाएंगे। ये सब जॉर्ज सोरोस का बनाया हुआ गेम है, साथ में हिडन वर्क का, और ये उनकी आखिरी उम्मीद के साथ एक दमदार चोट करने की कोशिश थी जो फुस हो गया। बड़ी उनकी कोशिश रही कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में बीजेपी को हराया जाए, और जो भी बाई इलेक्शन हुए उसे बीजेपी को हराया जाए, लेकिन बीजेपी हारी नहीं। हाँ, झारखंड में निश्चित ही जेएमएम की जीत हुई है और जेएमएम 3-4 सीट और लाती तो अपने हिसाब से वो तय करती सब कुछ, और तब फिर जेएमएम खुद केंद्र सरकार के साथ रहती, उस पर कोई दबाव नहीं रहता और घुसपैठिए झारखंड से भगाए जाती। आज भी जेएमएम और यदि केंद्र सरकार का आपस में सहयोग हो तो घुसपैठिए वहाँ से भागेंगे। और घुसपैठियों को भगाने में ये ही दो लोग हैं, दो पार्टी है जो झारखंड से घुसपैठिया भगा सकती है, भाजपा और जेएमएम। हाँ, दोनों दो ध्रुव में हैं और दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं, विपक्षी हैं, विपक्ष रहना ठीक है, लेकिन एक मुद्दे पर दोनों एक हो सकते हैं और वह है घुसपैठियों को भगाना। खैर, हम उस पर न जाते हैं क्योंकि इलेक्शन बहुत कुछ कहता है। ये इलेक्शन ये भी कहता है कि झूठ का हंगामा, झूठ का हल्ला, संविधान चला जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा तो पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सब जो ड्रामा था, ये सब ड्रामा नहीं चलता है, इसलिए वो महाराष्ट्र हार गए। महाराष्ट्र हारने के और भी कई कारण थे, मतलब बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध होने लगा, देश की संस्कृति का विरोध होने लगा, देश की सभ्यता का विरोध होने लगा, राष्ट्रीयता का विरोध होने लगा, इसलिए वहाँ बीजेपी जीती और उसका जो विरोध कर रहे थे वो पार्टियाँ हारी, महाअघाड़ी जीती और वो पार्टियाँ हारी। लेकिन झारखंड में कुछ थोड़ा उल्टा हो गया। बहुत दिनों से केंद्र सरकार या भाजपा कह रही है कि घुसपैठिए हैं, तो अब उनको भी ये समझना पड़ेगा सिर्फ मामला बनाने से कुछ नहीं होगा।
हर जगह घुसपैठियों का मामला बन रहा है, वहां भी दिल्ली तक घुसपैठिए आ गए, रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए। ये मामला अब बनाने से नहीं चलेगा, कि अब मामला बनता जाएगा और लोग आपको बने हुए मामले का, हाँ ठीक वोट दो वोट दो। ये आपके लिए भी सीख है, अब उस समस्या के ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अब समस्या दिखा दिखा के आपको भी वोट अब नहीं मिलेगा। समस्या पर कार्रवाई कीजिए, घुसपैठियों को पकड़िए, रगड़िए, भगाइए, रोहिंग्याओं को खदेड़िए, अब इसमें वोट मिलेगा। अब ये दिखाने से वोट नहीं मिलेगा। यहाँ इस झारखंड के चुनाव ने भाजपा को ये सबक सिखाया और महाराष्ट्र के चुनाव ने विरोधियों को, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को ये सबक सिखाया कि झूठ मूठ का हंगामा करने से, कि जाति में हिंदुओं को तोड़ने से, मुस्लिम तुष्टीकरण से और देश का विरोध करने से, बीजेपी का विरोध करते करते भारतीय संस्कृति का विरोध करने से आप कभी नहीं जीतेंगे, बल्कि आपकी तो स्थिति ये हो जाएगी आने वाले दिनों में कोई आपको पहचानेगा तक नहीं, नाम लेवा नहीं रहेगा। बीजेपी जीतेगी क्योंकि वो भारत के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी जीती महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी विदेशी शक्तियों ने बहुत प्रयास किया महाअघाड़ी को, सॉरी महायुति को हराने का, लेकिन महायुति जीती, बीजेपी के नेतृत्व में अन्य सभी पार्टियां वहां जीती। इसका भी असर शेयर बाजार पर पड़ेगा और बीजेपी की जीत का शेयर बाजार पर यही असर पड़ेगा कि सोमवार को हम लोग बहुत बड़े गैप अप से खुलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उन विषयों से थोड़ा अलग आना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जॉर्ज सोरोस और ये बाइडन प्रशासन, ये सब अडानी पर ही ज़्यादा चोट क्यों कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा टाटा पर भी चोट करते हैं? इस दो कंपनी पर ज़्यादा चोट क्यों किया जाता है? क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे गोल्डमैन सैक्स ने टाटा की रेटिंग घटा दी, तो गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि यहाँ से अब, पिछले साल भी इनका यही हंगामा था कि यहाँ से अब टाटा ऑटो जो है, टाटा मोटर्स, वो नीचे डाउन होगा, गिरेगा, यही कहानी थी, लेकिन 1100 के ऊपर चला गया था। तो ये दो कंपनी पर इनका ज़्यादा जोर था, टाटा पर थोड़ा हल्का रहा, लेकिन अडानी पर ज़्यादा तेज गति से इनका आक्रमण रहा, मतलब अडानी को हिला देने की कोशिश करने लगे लोग। क्यों? क्योंकि ये दो कंपनियां, टाटा विदेशी ऑटोमोटिव कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है और अडानी विदेशों में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, खनन क्षेत्रों में अधिग्रहण कर रहे हैं विदेशी कंपनियों का। इसलिए इस दो से दुनिया के अन्य देश के बिजनेसमैन को ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए इस दो कंपनियों पर ज़्यादा प्रभाव डाला जाता है, इन दोनों को ज़्यादा हिलाने की कोशिश की जाती है। और चूंकि अडानी पोर्ट्स और सेज SEZ पर ज़्यादा काम करता है, अडानी पोर्ट्स के पीछे ज़्यादा ही पड़े हुए हैं ये लोग, और हमें अडानी का साथ देना है। और जिस तरह से बाजार अडानी के प्रति किए गए दुष्प्रचार को पचा गया, वो ये बताता है कि कल को बाइडन प्रशासन की हर नौटंकी को पचा जाएगा। बाइडन प्रशासन जाते जाते दुनिया में एक गंदा खेल कर देना चाहता है, वो है रूस यूक्रेन की लड़ाई को और भड़का देना, ऐसा भड़का देना कि कल को ट्रंप प्रशासन यदि आता है तो वो उसको रोक ही ना पाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाइडन प्रशासन धीरे धीरे खुद को इतना बदनाम कर चुका है कि अब उसके साथ कोई नहीं है। जाते जाते जो उछल रही है, और ये इन्हीं की उछल कूद का दुष्परिणाम है। अब ऐसा क्या हो गया कि कल तक जो विदेशी रेटिंग एजेंसियां भारत को डाउनग्रेड कर रही थी, भारत से चाइना जा रही, अचानक इंडिया आने, इंडिया प्रेम कैसे जग गया? एक दिन पहले तक तो अडानी को का बहिष्करण हो रहा था, अगले दिन से प्रेम जग गया? ये प्रेम वेम कुछ नहीं है, ये भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत है जो उनको फिर अपने औकात में आने के लिए कह रहा है। और अब लौट के बुद्धू आ रहे हैं, तो इसके पहले भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स बेस पर इतना खरीद लें, उनको महंगा ही मिले कोई भी शेयर किसी भी कंपनी का।
और उनकी खबरों पर न जाए। गोल्डमैन सेक्स क्या कहता है, जेफरीज क्या कहता है, सीएलएसए तो एक चाइनीज कंपनी की सब्सिडियरी एजेंसी बन गई है आजकल, और है ही वो। ये कंपनियां क्या करें, इस पर न जाकर खुद पीबी उसका ग्रोथ ये सारी चीज़ें चेक करें, उसकी सीजीआर को चेक करें, और अब और उसके प्रॉफिट, उसके पिछले 2 महीने में उसने कैसा प्रॉफिट दिया, कंपनी का किस तरह का काम है, इसको चेक करते हुए हर व्यक्ति 8, 10, 12, 15 ज़्यादा, यदि जितना 30 कंपनी संभाल सकते हैं 30 कंपनी में लगाइए, जितना कंपनी संभाल सकते हैं, जितने को ट्रैक कर सकते हैं उनके शेयर्स खरीदें, आराम से बैठें, अभी आपको अच्छा मुनाफा होगा। कुछ लोग भी पहले कह रहे थे, अरे अब यहाँ से तो 21,000 गिर जाएगा, यहाँ से 21,000 के बाद कहीं 19,000 गिर जाएगा। तो ऐसे ऐसे मंदड़िए भरे पड़े हैं, तो उन लोगों को मैं ये मतलब मंदड़िए का क्या कहिएगा, वो बौद्धिक रूप से भी मंदड़िए ही हैं, इसलिए वो मंदड़िए गिरी में मत पड़िए। यहाँ से कुछ प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, देखते हैं कितना दूर जाता है। शेयर बाज़ार को बिजनेस की तरह लीजिए और हर गिरावट को समझिए और हर वृद्धि को भी समझिए, कहाँ क्या छुपा है, विदेशी एजेंसियों के कहने को भी समझिए, वो किस तरह से किस प्रकार से किसके बारे में क्या कह रही है। तो विदेशी एजेंसियों का अपना स्वार्थ होता है, लेकिन कंपनी अपने ग्रोथ अपने प्रॉफिट के हिसाब से चलती है और शेयर उसी हिसाब से उठता है। इसलिए बाजार की चाल को समझते हुए अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, ईमानदारी से इन्वेस्ट कीजिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। सबसे बड़ी चीज़ है कि फियर मतलब डर और लालच, इस दो पर जितना अच्छा आप कंट्रोल रखेंगे उतने अच्छे से आप शेयर बाज़ार से प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अब विदेशी लोग अभी तो अडानी पर लगा, कल को किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। मतलब अब ये जान जाइए कि भारतीय कंपनियां अब उन विदेशी संस्थाओं को, विदेशी कंपनियों को चैलेंज करने लगी है, हम इस दौर में पहुंच गए हैं। भारत की सरकार उन विदेशी विचित्र किस्म की सरकारें, मैं कहता हूँ विचित्र किस्म की, जैसे बाइडेन प्रशासन क्या है, एक विचित्र किस्म की सरकार है, जो कह सकते हैं अमेरिकन मूर्खों की सरकार है वो। बाइडेन प्रशासन जिस तरह की सरकार थी उससे, उसको भारत की सरकार अखड़ती थी, मोदी सरकार अखड़ती थी उसको, यानी अब उनको ये डर लगने लगा है कि हम उनको अपने पैरों से कुचल रहे हैं, बस ये डर बहुत ज़रूरी है। हालांकि भारत में कुछ चमचे हैं लाल किताब लेके नाच रहे हैं और बता रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और वो लोग कोई नहीं, बस उन्हीं विदेशी एजेंसियों के कठपुतले हैं, समझ गए ना। इसलिए अब अपने इस पावर को हम लोग समझें, अपनी ताकत को समझें, अब हम किसी को भी कुचल सकते हैं, और अपने आप को कुचले जाने के डर से विदेशी एजेंसियां और विदेशी सरकारें ये सब भारत और भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ और भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स के खिलाफ ये सब ड्रामा रच रही है, ये सब नाटक रच रही है। यानी अब हमारी ताकत उनसे ऊपर है, अडानी प्रकरण ने ये साबित किया है। और ये केनिया वेनिया आज है कल गया, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, केनिया फिर घूम फिर कर आएगा अडानी के पास। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आराम से भारतीय शेयर बाजार में पैसे लगाएं और अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से लगाएं, किसी के कहने सुनने पर नहीं, अपनी बुद्धि से लगाए, अच्छे अच्छे शेयर्स खरीदे। अभी लॉजिस्टिक्स के शेयर उठेंगे, लॉजिस्टिक्स का शेयर तो अभी ज़बरदस्त ग्रो करेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित शेयर्स और ग्रो करेंगे, आईटी भी ग्रो करेगा, देखते हैं कितना ग्रो करता है। आईटी में यदि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, एआई की कंपनी है, प्रोडक्ट की कंपनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। उसके बाद आपके पास पावर की अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, आपके पास कंस्ट्रक्शन की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों में अब तो पीएसयू बैंक्स वगैरह जैसी कंपनी भी, क्योंकि बैंक को तो आगे बढ़ना ही पड़ना है यदि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, तो उस पर भी अब लगाएं ध्यान। और जहां से जो अच्छा शेयर मिले, हर क्षेत्र का अपना खुद का भी थीम बनाइए कि मैं 5-6
थीम लेता हूँ उसके, दो दो शेयर या 10 थीम लिया, दो दो शेयर, तीन तीन शेयर, एक एक शेयर अपने हिसाब से, दो कंपनी इसके, दो कंपनी उस थीम के, दो कंपनी उस थीम के, दो कंपनी उस थीम के, या एक कंपनी इस थीम के, एक कंपनी इस थीम के, ऐसे करके अपना सब कुछ सेट किया और उस हिसाब से खरीदा, उस हिसाब से पैसे लगाए। हाँ, पैसों को टुकड़ों में लगाइए और पैसों को टुकड़ों में निकालिए, मतलब SIP के हिसाब से पैसे लगाते जाइए और उसी SIP के हिसाब से कंपनी जब ग्रो करने लगे, बढ़ने लगे, आपको प्रॉफिट देने लगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट देने लगे, तो उसी SIP के हिसाब से थोड़ा थोड़ा निकालते चले जाइए। इससे आपको आपका जो प्रॉफिट है थोड़ा कम रहेगा लेकिन स्थिर प्रॉफिट बना रहेगा। यही मेरा आप लोगों को कहना था, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाए, और प्रश्न पूछना थोड़ा कम हो गया, प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछें ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में कुछ मटेरियल्स मिल जाए कि किस विषय पर मुझे बनाना है। ऐसे प्रतिदिन की घटनाओं पर तो बन ही रहा है, लेकिन यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे मिल जाएगा आइडिया कि किस पर वीडियो बनाना है। वैसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।